ये मैं जबरदस्त भाई नासिर साहब का बेहतरीन। चलिए भाई बहुत लाजवाब खाना है वाकई, आज हमारे नसीब में यहाँ पर आना लिखा था कि माशाल्लाह कुल्ला कबाब उदय का मछलन की बहुत ही अच्छे हैं। Quiet's driving me insane. Silence rattles in my brain. Yeah, I gotta get away. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राशिद हसन। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लियाकत आबाद डाकखाने पे और मेरे साथ हैं नासिर साहब, मेरे दोस्त हैं। आज हमारी दावत, हमने यहाँ पे तय किया था कि हम मिलकर जो है वो खाना खाएंगे यहाँ पर लियाकत आबाद डाकखाने पे। और हकीम अब्दुल हकीम साहब जी, कबाब के लिए की हाजी जगह यहाँ पर, हाजी अब्दुल हकीम साहब जो हैं इनकी बड़े मशहूर यहाँ पर कबाब पराठा होता है, तो आज हम वो टेस्ट करने के लिए आए हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर माशाल्लाह लियाकत आबाद डाकखाने पे एक छोटी सी फूड स्ट्रीट टाइप की है और छोटे छोटे यहाँ पर ठेले मौजूद हैं जो कि मुख्तलिफ अनवा अकसाम के यहाँ पर खाने हैं। तो आइए पहले हम आपको वो चेक कराते हैं, फिर लेके चलेंगे अब्दुल हकीम साहब के पास। अच्छा जी, हम लोग ये इकबाल रबड़ी हाउस पर हैं और ये भी लियाकत आबाद डाकखाने पे मौजूद है, इकबाल रबड़ी हाउस। फ्रूट क्रीम चाट, मीठे ठंडे दही बड़े, क्या क्या आइटम होते हैं आपके पास? दही बड़े हैं, रबड़ी है, लबे शीरी है, खीर है, रसमलाई अभी है नहीं। चार सौ अस्सी रुपये किलो हैं दही बड़े। 480 रुपये रबड़ी, 680 रुपये लबे शीरी, 640 रुपये किलो है और खीर 480 रुपये किलो है। चलें, काफ़ी मुनासिब रेट पे ये लियाकत आबाद डाकखाने पे ये मिल रहा है। हमने कल जो हाजी रबड़ी हमने ट्राई किया था वो 780 रुपये किलो था, तो माशाल्लाह जो है वो ज़बरदस्त रेट भी अच्छे हैं और आइटम भी मुनासिब लग रहे हैं। शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू। अच्छा जी, ये हमारा अगला जो नया डीआई बता रहे हैं जनाब, ये हाफिज़ आदिल रबड़ी हाउस। अच्छा जी, यहाँ पर ये आप देखें कि ये भी रबड़ी है, पिस्ता रबड़ी है जनाब, ये पिस्ता रबड़ी है, ये सादा रबड़ी है और ये क्रंच चेरी है, ये रसमलाई है जनाब। ठीक है जनाब, बेहतरीन जी। तो मेला लगा हुआ है इस वक्त लियाकत आबाद डाकखाने पे, बेहतरीन किस्म का। अभी चूँकि हम थोड़ा सा जल्दी आ गए हैं तो ज़्यादा रश आपको मिलेगा नहीं। ये बर्गर पॉइंट है जनाब, बर्गर पॉइंट का नाम भी आपको बताते हैं अभी, न्यू बर्गर टाइम। कितने का जनाब बर्गर? सादा 40 का, अंडे वाला 60 रुपये का। सादा 40 का अंडा, अंडे वाला जो है वो 60 रुपये का, बेहतरीन सही। ठीक है जनाब, ये बेहतरीन यहाँ पर सेटअप चल रहा है। ये आगे ये अंधेरे में बैठे हैं भाई, गुलाब जामुन क्या हिसाब है भैया? 240 रुपये किलो है जनाब गुलाब जामुन। थोड़ा सा उसको गुलाब, हाँ हाँ बेहतरीन। साइज छोटे बड़े हैं क्या बात है? छोटा भी है बड़ा भी है, जो के लिए बांटना पड़ता है। ठीक लाते हैं हम लोग। सही जनाब, बेहतरीन है सूरत आलम। अच्छा ये जनाब ज़बरदस्त, ये दूध की ठंडी बोतल है जनाब, ये तरीके का जनाब, ये नासिर साहब लीजिए जी, आपके लिए बोतल है। ये मुझे बहुत ही बेहतरीन कुछ लग रहा है सेटअप, खूबसूरत चीज़ है और देश के लिए खास तौर पर ये बड़ी मुफीद है। पहले किसी वक्त ये दूध की बोतलें दस्तियाब हुआ करती थी मुख्तलिफ जगहों पर, लेकिन अब इसके चंद ये मशहूर है यहाँ पर इस स्पॉट पर, क्योंकि खाने पीने का बड़ी पुरानी जगह है। बाबा बोतलें का जो ऑनर है अब्दुल रज़ाक साहब, ये जनाब अब्दुल रज़ाक साहब इसमें थोड़ा सा बताइएगा मुझे कि ये जो आपका
दूध की बोतल, दूध की बोतल लगाया, थोड़ा सा बताएं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आते हैं। ये इसके अंदर में दूध की बोतल है, ये अपना दूध के अंदर खोया और वरना बादाम पिस्ते, हमारे माँ बाप की मोहब्बत है जिन्होंने ये पौधा लगा के दिया हमें, आज भी हम खा रहे हैं लगे हम से। अच्छा जी, ये यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये माशाल्लाह ये अंडे क्या है साहब भाई? 150 रुपए देंगे। 150 रुपए। ये जो उबला हुआ अंडा देते हैं आप? उबला हुआ भी देते हैं और वैसे नॉर्मल अंडा भी देते हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, सही। ये ज़रा दिखाइएगा। वाह भाई, अंडे बॉयल हो रहे हैं जनाब। एक अंडा आपने कितने का बताया? 20 रुपए का एक अंडा है जनाब। लोग यहाँ पर अमूमन सर्दी के दिनों में जो है बहुत ज़्यादा चलता है ये, और ठीक ठाक रश होता है। अभी चूँकि सर्दियाँ ज़रा कम हो गई हैं, लेकिन माशाल्लाह बहुत पुराना सेटअप है ये लियाकत डाखाने पे अंडों का जो सेटअप है, बहुत पुराना। अच्छा जी, तो हमारी टीम मुकम्मल हो गई है जी। आदिल साहब भी आ गए हैं और नासिर साहब भी मौजूद हैं। और आज का जो हमारा प्लान जो है वो हाजी अब्दुल हकीम साहब के जो गुला कबाब है वो हमें खाने। जी जनाब, तो बड़ी मशहूर जगह है। आदिल साहब थोड़ा सा बताएं आपके इलाके का है। हाजी साहब, इंशाल्लाह यहाँ की अच्छी है माशाल्लाह सारी ना। अब माशाल्लाह आप खाएंगे तो दोबारा इंशाल्लाह यहाँ पर आएंगे भी। और माशाल्लाह के गुला कबाब, धागा कबाब, बैरे कबाब सब अच्छे हैं यहाँ के माशाल्लाह। और इनका नाम भी है हाजी अब्दुल हकीम साहब का, और लियाकताबाद में माशाल्लाह मशहूर भी हैं बहुत ये। तो माशाल्लाह हमारा लियाकताबाद बारबेक्यू में कैटरिंग पे काफ़ी है मशहूर माशाल्लाह। अच्छा जी, तो आइए फिर हम लोग चलते हैं हाजी साहब के पास उनके गोला कबाब खाने के लिए। अच्छा जी व्यूअर्स, तो हाजी अब्दुल हकीम साहब जो हैं उनका गोला कबाब भी हाज़िर है, धागे वाला कबाब भी हाज़िर है, और बीफ बोटी भी हाज़िर है। तो पहले हम चेक करेंगे गोला कबाब, उसके बाद फिर आपको बताएंगे कि क्या सूरत हाल है। ये जनाब गोला कबाब है, ये जनाब काफ़ी टेंडर मुझे लग रहा है, ये अच्छा खासा गला हुआ है। ये मैंने प्याज लगाई है, ये चटनी है, चटनी लगाई है, और ये मैं ज़बरदस्त भाई नासिर साहब का गाती। मेरा ख्याल है कि तो सारे उसमें सबसे मज़ेदार सब मुझे जायका आ रहा है वो चटनी का आ रहा है। हरी चटनी है ये आपको नज़र आ रही होगी, और इसमें लहसुन का हल्का सा जायका फील हो रहा है, और हरी मिर्च पिसी हुई टिक टाक डली हुई है, इसके अंदर पुदीना डाला हुआ है। तो अगर आप जायका फील करें तो हर चीज़ का जायका अलग अलग फील कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही बेहतरीन इस वक्त नज़र आ रहा है। चलिए भाई, बहुत लाजवाब खाना है वाकई। आज हमारे नसीब में यहाँ पर आना लिखा था, बहुत मज़ेदार, वेरी वेरी टेस्टी। ख़ासतौर पर इनके गोरा कबाब नज़र आ रहे हैं, और उसके अलावा ये बोटी और चटनी का तो जवाब ही नहीं। अच्छा, आपने माशाल्लाह बिल्कुल सही बात बोली है, यहाँ के गोला कबाब माशाल्लाह धागा कबाब और बिहारी बोटी बहुत ही अच्छी है। तो माशाल्लाह यहाँ की तय भी बहुत सुनी है, और मेरा घर भी माशाल्लाह लियाकताबाद में ही है। तो मैंने बाकायदा कहा था राशिद साहब से भी कि आप यहाँ पर आएँ, माशाल्लाह इनकी माशाल्लाह गोला कबाब धागा कबाब माशाल्लाह इनकी बहुत ही अच्छे हैं। अच्छा जी, ये कबाब और चपाती और चटनी ये सारा कुछ तो हमने खा लिया है, उसके बाद ज़रा मुझे उम्मीद है कि नासिर साहब की आवाज़ थोड़ी सी निकलेगी। नासिर साहब, खाने के बाद तो आवाज़ निकालना बड़ा मुश्किल काम है,
और वो भी इतना मज़ेदार खाना है कि भाई चटनी ने तो अपना बराबर साफ कर दिया है। नाज़िर साहब ने मेरे ख्याल है 5 out of 5 जो है वो चटनी को दिए, और मेरे ख्याल है कि मेरी भी राय है, लेकिन ये कि गोला कबाब बहुत बेहतरीन था। नाज़िर साहब क्या ख्याल है? गोला कबाब जो है वो नंबर वन, मैं कहता हूँ कि अगर चटनी को एक साइड कर दें तो गोला कबाब बेहतरीन था, और धागे वाले कबाब जो है वो भी अच्छे थे, दोनों का जायका मिलता जुलता था, लेकिन गोला कबाब की एक अलग सी एक बात थी। अच्छा जी, कबाब खाने के बाद हम थोड़ा सा बाहर निकले हैं और यहाँ पर देखते हैं क्या माहौल चल रहा है, क्योंकि तकरीबन एक घंटा पहले जो माहौल था वो मुख्तलिफ था, अब थोड़ा सा पब्लिक आना शुरू हो गई है, और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि इधर शाही हलीम और मुख्तलिफ ठेले भी लगे हुए हैं। एक माशाल्लाह ये लियाकतबाद डाखाना जो है ये पुरानी एक जगह है, स्पॉट है खाने पीने का और ठेलों का, सब्ज़ी के ठेले और फ्रूट के ठेले यहाँ पर मौजूद होते हैं, तो बहुत अच्छा पुराना जो है वो ये स्पॉट है।